फिल्म स्टार्ट होती है एमिली और गेल से, और एमिली गेल से कहती है कि वो उससे डिवोर्स देना चाहती है, और उसकी बात सुनते ही गेल के होश उड़ जाते हैं। वो कार में बैठा हुआ इतना परेशान होता है कि वो कार से गिर जाता है। एमिली उसको संभालती है और वो उससे बोलता है कि वो उसको डिवोर्स दे देगा। घर पे इनके दो बच्चे हैं, मॉली और रॉबी। इन दोनों की देख रेख के लिए इन लोगों ने एक लड़की रखी है और उसका नाम जेसिका होता है। जेसिका की एज 17 साल है और रॉबी 13 साल का होता है। और वो जेसिका से अपने प्यार का इजहार करता रहता है और वो उससे बोलता है कि वो बड़ा होकर उससे शादी करेगा। जेसिका उसको हमेशा इग्नोर करती है। और जब जेसिका को पता चलता है कि गेल का एमिली से डिवोर्स होने वाला है, तो वो गेल से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। गेल उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद गेल अब अलग हो गया है और वो अपने अपार्टमेंट में रहता है। कभी कभी उसके बच्चे उससे मिलने आते हैं और हम एक बार देखते हैं। बार में एक आदमी होता है और उसका नाम जैकब होता है। जैकब के पास सामने दो लड़कियाँ बैठी होती हैं और वो उनके पास जाता है, उनको अप्रोच करता है। उसमें से एक का नाम हैना होता है और वो हैना से फ्लर्ट करता है और हैना उसको मना करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। और गेल काफ़ी डिप्रेशन में रहता है और वो अक्सर बार में जाता रहता है। बार में जाकर वो अपनी कहानी जोड़ देते सबको बताता है और वहाँ पे किसी को उसकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन जैकब उसे देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो गेल को बदल देता है और उसको बताता है कि बार में कैसे लड़कियों को पिक किया जाता है। और उसके बाद गेल एक लड़के को पटाता है और उसका नाम कैट होता है। और उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद एक और लड़की उसके पास आती है और वो उससे भी इंटीमेट होता है। कुछ टाइम बाद रॉबी की पेरेंट्स मीटिंग है और यहाँ गेल एमिली को देखता है और दोनों यहाँ बातें करते हैं। और तभी हम जानते हैं कि केट जिससे रात में वो इंटीमेट हुआ था, वो वहाँ की प्रिंसिपल होती है। और वो एमिली को बता देते हैं कि वो और गेल दोनों इंटीमेट हुए थे। और ये सब जान के एमिली काफ़ी गुस्सा होती है और यहाँ गेल अपनी वाइफ को बताता है कि वो 9 और लड़कियों से इंटीमेट हो चुका है। ये सब जान के एमिली वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और वो डेविड के साथ डेट करती है। और यहाँ हम देखते हैं जेसिका ने अपनी गंदी फोटोज़ गेल को देने के लिए रखी होती है और गलती से उसकी माँ उन फोटोज़ को देख लेती है और वो उसके फादर को भी बता देती है। और उसका फादर गेल के घर जाता है और उन दोनों में झगड़ा होता है। और हम देखते हैं जैकब जो हैना को पसंद करता था, हैना ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और वो भी वहाँ पर होती है। और यहाँ बातों बातों में पता चलता है कि हैना गेल और एमिली की फर्स्ट डॉटर है। गेल और एमिली जब स्कूल में थे तभी हैना पैदा हो गई थी। और जब गेल को पता चलता है कि उसके बेटे के साथ जैकब डेट कर, तो वो जैकब को मना कर देता है और वो हैना से कहता है कि वो कभी भी जैकब से ना मिले। इतने में वहाँ डेविड आता है। डेविड वो आदमी है जिसको एमिली डेट कर रही है और वो एमिली को जैकेट देने आया होता है। और जब जैकब को पता चलता है कि डेविड वही आदमी है जिसकी वजह से गेल का डिवोर्स हो रहा है, तो उसको पंच मारता है। और इतने में यहाँ बर्नी आता है उसकी, और बर्नी गेल पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसके बेटे को फंसा लिया है और उसके बेटे ने उसके लिए अपनी गंदी पिक्स भी भेजी। और उसके बेटे उसको समझाते हैं कि इसमें गेल की कोई गलती नहीं है और उसने खुद अपनी मर्जी से अपनी गंदी फोटो भेजी है। और यहाँ गेल, जैकब, बर्नी, डेविड आपस में भिड़ते हैं और तब वहाँ पुलिस आती है। पुलिस इन सबको रोकती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि गेल वापस उसी बार में आता है और जैकब उसके पास आता है और जैकब उससे कहता है कि अब वो बदल गया है, अब वो हैना से सच्चा प्यार करता है। और गेल उससे कहता है कि वो अपनी बेटी को उसके हाथ में नहीं दे सकता क्योंकि जैकब का वो पास्ट देख चुका है। इसके बाद जैकब उस बार से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि गेल बहुत अच्छा फादर है। इन सब में गेल के बेटे ने अपना 8th पास कर लिया है और उसे स्पीच के लिए बुलाया जाता है। स्पीच में वो कहता है कि उसका दिल टूट चुका है और उसे प्यार में अब कोई भरोसा नहीं है। और उसका फादर खड़ा होता है और वो कहता है कि वो अभी भी एमिली से प्यार करता है। इन सबको सुनकर रॉबी कहता है कि वो अभी भी जेसिका से प्यार करता है और यहाँ ऑडियंस उसके लिए ताली बजाती है। मीटिंग के बाद हम देखते हैं गेल ने जैकब हैना के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। एमिली और गेल आपस में मिलकर बातें करते हैं और वो अपने ओल्ड डेज को याद करते हैं और एक साल में क्या क्या चेंज हुआ इन सब के बारे में बातें करते हैं। रॉबी ये सब देख के खुश होता है और वो कहता है कि एक दिन वो जेसिका को पा लेगा। और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।